हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सपोर्ट। तो आज के वीडियो में लिफ्ट मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं। सीधा बताता हूँ मैं डायरेक्ट पॉइंट पे, लिफ्ट मेंटेनेंस अगर हमें परचेज़ करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, मैं अपने एक एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जो लिफ्ट की परफॉर्मेंस होती है ना, वो कभी भी लिफ्ट के ब्रांड पर डिपेंड नहीं करती। वो जो डिपेंड करेगी वो उसका इंस्टॉलेशन कैसा हुआ है, ठीक है, उसका रूटीन मेंटेनेंस कैसा हो रहा है, और उसका जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है वो कैसा है, और इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि टेक्नोलॉजी कौन सी है। पहली बताता हूँ मैं, और आज भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें ओनली मैं फॉर जो ट्रैक्शन लिफ्ट है उनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। जो ट्रैक्शन लिफ्ट होती है, तो जब भी आपको EMC लेनी है तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि जो AMC है या मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो कितने टाइप का होता है। वो तीन टाइप का होता है यूजुअली। जो पहला होता है वो होता है कॉम्प्रेंसिव मेंटेनेंस, ठीक है। उसमें कॉम्प्रेंसिव मेंटेनेंस में क्या होगा, जो हमारे सारे पार्ट्स होते हैं, CMC भी बोलते हैं इसको, वो सारे पार्ट कवर होते हैं उसमें, ठीक है, A to Z। जो उसमें ब्रेक डाउन है वो भी करेगा जो लिफ्ट वेंडर है जो आपसे AMC ले रहा है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी करेगा। थोड़ा महंगा होता है बट यूज़फुल बहुत होता है, और इससे लिफ्ट की एज बढ़ जाती है। और मैं जो इसको रिकमेंड करता हूँ, नई लिफ्ट तो मैं नहीं करता कभी भी, जब आपकी लिफ्ट 4 या 5 साल पुरानी हो जाए तो उसके बाद लेना चाहिए ये। तो सेकंड जो होता है वो होता है सेमी कॉम्प्रेंसिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, मतलब जो कवर करेगा वो, जैसे मैन मोटर, रोप, लाइट, फैन और बैटरी को छोड़ के वो सभी पार्ट इसमें कवर करेगा। यूजुअली ये रिकमेंड करता हूँ मैं स्टार्टिंग में, जब लिफ्ट 2 या 3 साल पुरानी है, और उसमें और बाकी जो सारे पॉइंट्स हैं, ब्रेकडाउन हो गया, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, वो सब वो अटेंड करेगा जो ले रहा है। थर्ड नंबर पर आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, या जिसको मैं AMC भी बोल रहा हूँ, AMC यूजुअली। वो उसमें केवल है ना आपकी सर्विस करेगा और ब्रेकडाउन देखेगा, पार्ट्स जो रहेंगे वो फिर रिप्लेसमेंट नहीं करेगा, छोटे मोटे पार्ट्स कर लेगा, बटन्स या जो छोटे मोटे पार्ट्स हैं बस उसको रिप्लेस कर लेगा। तो ध्यान रखना है किन किन चीज़ों का, वो बता दिया है मैंने आपको मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले। और इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा मैं, जब भी आपका जो वेंडर है वो आपका मेंटेनेंस करने आता है तो उसके पास एक चेकलिस्ट होती है, आप उस चेकलिस्ट को ज़रूर चेक करें कि आपने क्या क्या किया है अभी जो मेंटेनेंस किया है। पॉइंट्स होते हैं उसमें, मैन कंट्रोल या मशीन रूम में क्या कर रहा है वो, उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, लैंडिंग डोर का जो गैप है वो उसने मेंटेन किया नहीं किया, डोर मोटर ड्राइव होगी, LOP लैंडिंग ऑपरेशन पैनल, COP कार ऑपरेटिंग पैनल, डिस्प्ले, बटन्स, ARD, बैटरी तो ख़राब नहीं है, ठीक है। तो अभी जो मेन चीज़ है जिसके लिए वीडियो बनी है उसमें मैं बता देता हूँ, कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है, यूजुअली जो CMC होता है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पहली बता देता हूँ ट्रैक्शन लिफ्ट की, जो CMC होता है कॉम्प्रेंसिव मेंटेनेंस, वो होता है 8% के आसपास। यानी अगर आपने 10 लाख की लिफ्ट ली है, ये मैं बात कर रहा हूँ G+7 या 8 की, यानी 7 या 8 फ्लोर की, तो आपका जो CMC होगा ना वो 80,000 रुपये के आसपास होगा ईयरली। वहीं CMC 80,000 का हो गया। अगर मैं SCMC की बात करूँ यानी सेमी कॉम्प्रेंसिव की, तो वो 6% के आसपास होता है, यानी 60,000 रुपये के आसपास, अगर आपकी 10 लाख रुपये की लिफ्ट है। और AMC यूजुअली 4 से 5% होता है, यानी आपने जो लिफ्ट ली है, ये कॉन्ट्रैक्ट का बता रहा हूँ मैं, जितने का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी अगर आपने 10 लाख की लिफ्ट ली है तो 50,000 रुपये का या 40,000 रुपये के आसपास आपका वो कॉन्ट्रैक्ट होगा जो मेंटेनेंस का होगा। तो ये चीज़ें अगर आपको मेरा जो चैनल है वो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़, बिगिनर हूँ मैं तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट भी करना चाहो तो कर सकते हो। उसके लिए आपको बस मतलब सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, और लाइक कमेंट मर्जी आपकी, जो करो कर दो, अदरवाइज़ तो रहने दो, ठीक है। Thanks a lot.